गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, घर पे रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घर से बाहर इधर उधर न घूमें और भीड़ भाड़ से दूर रहें। यदि घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो आप कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। अपना नाक और मुंह अच्छे तरीके से मास्क ऐसे पहने कि आपका नाक और मुंह अच्छे तरह से ढका रहे। आप समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहेंगे। जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ पर आप हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपना पाठ। ठीक है बेटा, तो इससे पहले के पाठ हमने पढ़े हैं भाषा और उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण। ठीक है, अब जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा का जो मूल जो है तत्व तो है सबसे छोटा जो है वर्ण जब हम पढ़ चुके हैं तो वर्ण से आगे क्या होगा, वर्णों को मिला के क्या बनता है? वेरी गुड, शब्द। ठीक है, तो वर्णों को मिला के क्या बनते हैं? शब्द। हमने कहा कि वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनेंगे और शब्दों का आपस में मिलना क्या कहलाएगा बच्चों? यदि शब्द आपस में मिलेंगे तो उसको कहेंगे हम, ठीक है, संधि बोलते हैं, या वर्णों का आपस में मिल। ठीक है, जब वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनते हैं तो ठीक है, इसी प्रकार से जो है उन शब्दों को जो है हम उस मेल को हम जो है जो वर्णों के मिल से नए शब्द बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे, उस प्रक्रिया को बच्चों। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि वर्णों के मिल से जो है शब्द बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संधि। तो सामान्य रूप से संधि का अर्थ क्या हुआ? सामान्य रूप से संधि का क्या अर्थ हुआ? सामान्य रूप से संधि का अर्थ हुआ मेल। समझ गए आप लोग? सामान्य रूप से संधि का क्या अर्थ हुआ? मेल। जैसे यहाँ पे देखेंगे, छात्र धन आवास, छात्र धन आवास, छात्र अ का उच्चारण हुआ और आवास अ और आ मिलके क्या बन गया? आ बना है बच्चों। अ और आ मिलके क्या बना है? आ यहाँ पे बना है, तो क्या हुआ? छात्रावास। तो यही प्रक्रिया जब वर्ण आपस में मिलके एक नए जो है वर्ण का प्रयोग जो है आपस में वर्ण मिलके एक नया वर्ण बनाए, एक नया शब्द बनाए, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो संधि की हमारी डेफिनेशन क्या हुई, संधि की परिभाषा हमारी क्या हुई? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया कि आ और आ मिलके आ बना और आ मिलके आ बना। ठीक है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संधि क्या हुआ? संधि वह है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। ठीक है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे उत्पन्न जो है जो परिवर्तन शब्द में होता है उसको हम संधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, संधि विच्छेद, ये तो हमने संधि पढ़ा। अब संधि विच्छेद किसे बोलेंगे बच्चे? संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो शब्द हमने संधि के द्वारा बनाए, जैसे जैसे ये बनाए हिम धन आलय हिमालय, अब संधि विच्छेद का मतलब हिम को अलग कर दो आलय को अलग कर दो। ठीक है, तो संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए बच्चों? वेरी गुड, इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से, गुड। जैसे दीपावली, ठीक है, दीपावली एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया दीप धन अवली। ठीक है, जैसे ग्रीस है तो गिरी धन ईस, तो ये संधि विच्छेद में क्या है? दोनों को हमने अलग अलग किया, और संधि में क्या है? फिर दोनों को आपस में अगर जोड़ा तो ये प्रक्रिया संधि हो गई और अलग अलग करना संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, यहां तक सब लोग समझ गए बच्चे? वेरी गुड। अब देखेंगे कि संधि के भेद, कि संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि के जो है तीन भेद होते हैं। ठीक है बेटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, कौन कौन से भेद बताए मैंने, फिर से देखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझ गए? सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि, कि स्वर संधि होती क्या है, इसके कितने भाग होते हैं और क्या क्या इसके नियम होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है,
तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम स्वर संधि। बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वर यानी कि स्वरों का मेल हो रहा है यहाँ पे। स्वर जानते हैं, जब हमने पहला पाठ पढ़ा था वर्ण, तो उसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे बच्चे, अ आ से लेके ठीक है ओ आउ तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्वरों का आपस में मेल स्वर संधि कहलाएगा बच्चे, स्वरों का आपस में मेल स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हम देख लेंगे। दो स्वरों के आपस में मिलने पर, दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों, जब दो स्वर आपस में मिलके एक नए जो है शब्द का निर्माण करेंगे, तो उस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम स्वर संधि कहेंगे बच्चों। और स्वर संधि के ठीक है भेद देख लेंगे बेटा हम। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद हम देख लेंगे बेटा। देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रद्य संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बच्चे, तो ये पांच जो भेद है ये किसके हैं, स्वर संधि के। ठीक है, फिर से देखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सभी जो है स्वर संधि के भेद हैं। ठीक, सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ, दीर्घ का मतलब हुआ बड़ा, है ना, दीर्घ यानी बड़ा। तो हिंदी में स्वर दो प्रकार के होते हैं, याद करो आप लोगों को पिछले उसमें मैंने पाठ में पढ़ाया है स्वरों के प्रकार। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं बेटा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हमारे, अ ई छोटा उ री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन थे, जिनके उच्चारण में इनसे दुगना समय लगता था, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये सारे क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर का आपस में मिलना, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा दोनों के आपस में जब ह्रस्व, एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। दोनों दीर्घ आपस में मिलेंगे तब भी दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिले, अगर आपस में मिलते हैं तो भी जो है क्या बनना है, क्या बनना है, तो भी दीर्घ स्वर बनना है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हमने कहा कि देखिए, हमने कहा कि छोटा ऊ, छोटी ई, ठीक है, अ और रे, ये क्या है हमारे, अभी आपको बताया मैंने कि ये सब क्या है हमारे, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हमारे। ठीक है बच्चों, और बाकी के जितने भी हैं, आ हो गया, बड़ी ई हो गई, ठीक है, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। ठीक है बच्चे, तो अब जो है अगर अ और आ मिलते हैं आपस में, एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलता है तो क्या बनना है, दीर्घ मिलना है। ठीक है, दोनों दीर्घ मिलते हैं यानी आ और आ मिलते हैं तब भी क्या होना है, आ बनना है। और दोनों ह्रस्व मिलते हैं यानी अ और अ आपस में मिलते हैं तब भी क्या होना है बच्चे, आ बनना है। ठीक है, समझ रहे हो, और एक दीर्घ और ह्रस्व मिलते हैं तब भी दीर्घ बनना है। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए हो कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा क्या बनना है, दीर्घ स्वर बनना है। चाहे वो ह्रस्व और दीर्घ मिले, चाहे दीर्घ दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व मिले, चाहे दीर्घ और ह्रस्व मिले, हर कंडीशन में क्या बनना है हमारे पास, दीर्घ स्वर बनना है। ठीक है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो इसे दीर्घ संधि इसीलिए कहा जाता है। अब आप समझ गए दीर्घ संधि क्या हुआ, क्या हुआ दीर्घ संधि, वेरी गुड। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या बनना है, दीर्घ स्वर बनना है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला उदाहरण, और अ मिलके आ बन गए, जैसे मत और अनुसार, मतानुसार था ना, तो
इसका हमने संधि विच्छेद किया तो मत अनुसार, ठीक है, मतानुसार। तो कैसे इसका संधि विच्छेद हुआ बेटा, ये था मतानुसार, ठीक है बच्चों। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, मत धन अनुसार, ठीक है बेटा, मत धन अनुसार। मत किसका उच्चारण हो रहा है, त, आपको पता होगा हर व्यंजन में अ छुपा होता है, प्रत्येक व्यंजन में अ का उच्चारण छुपा होता है, तो म त, ये अ आ गया और एक अ ये है, ठीक है बच्चे। अब शर्त क्या रखी थी, और अ मिलके क्या बनना है, आ मिलना है, वेरी गुड। तो अब हो जाएगा ये म, और इस त के आगे किसकी मात्रा लगनी है, आ की, मतानुसार, ठीक है। ये अ, इसका और इसका अ मिलके क्या बने, आ बने, और आ की मात्रा किसके ऊपर लग गई, इस तव के ऊपर, तो मतानुसार हो गया, ठीक बच्चे, समझे इतना आप लोग, गुड। ऐसे ही रामावतार, तो राम धन अवतार, राम अ और अ मिलके आ बन गया रामावतार, ठीक है। सारांश, सार धन अंश, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको अभी बताए बिल्कुल वैसे ही ये बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है इनको, जैसे मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिया है, बिल्कुल आपको वैसे ही इसको करना है बच्चों, ठीक बच्चे, समझ गए आप लोग, है ना, ठीक है। तो इस सब में आपने देखा कि और अ मिलके आ बन रहे, अब आ आ वाले देखेंगे, जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालय, अब इसको देखेंगे, हिम धन आलय, ठीक बच्चे, हिमालय, हिम अ और आ, यहां पे भी आ बनना है, और आ मिलके क्या बनाना है, आ बनना है, तो क्या हो जाएगा, ही म और अ मिलके क्या बने बच्चे, आ बने, और आ की मात्रा किस पे लगनी, इस म पे लगनी, हो गया हिमालय, बन गया हिमालय, ठीक है। तो अ और आ मिलके भी आ बना, दूसरा वाला नियम भी हमारा सिद्ध हो गया, जो मैंने अभी आपको चार नियम बताए थे कि और आ मिलके आ मिलके भी आ, अ मिलके आ, तो ये वाला और ये वाला नियम हमारा सिद्ध हो गया, ये रे, ठीक है। अब देखेंगे कि आ और आ मिलके कैसे जो है आ बनता है, देखो उदाहरण देखेंगे हम, विद्यालय, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विद्या धन आलय, ठीक है बेटा, विद्या आ और ये वाला आ, ठीक है बेटा। अब आ और आ मिलके क्या बनना है बच्चों, गुड, आ बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या बनेगा शब्द, वि ध, और ध में किसकी मात्रा लगनी, इस आ की, क्योंकि ये आ और ये आ मिलके आ बन गया, तो इसमें आ की मात्रा लगा दो और शब्द बन गया आपका विद्यालय, ठीक। तो ये वाला नियम भी हमारा सिद्ध हो गया कि आ और आ मिलके आ बनेगा, ठीक है। अब आप समझ गए बच्चों कि कैसे जो है ह्रास्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर बन रहे हैं, और ये दीर्घ संधि है बेटा, ठीक है। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक आपकी है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, इन सभी उदाहरणों को बेटा आप लोग, ठीक है, अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है बच्चे, और रफ कॉपी में बार बार आप इनको करेंगे, जिस तरीके से मैं इनका संधि विच्छेद कर रही थी ना, आप उसी तरीके से, यहाँ पे तो नहीं दिया गया लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे गिरी, ठीक है, अब ई वाले भी हैं यहाँ पे, अभी हमने अ वाले देखे, अब हम ई वाले देखेंगे, ऊ वाले देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो जिस प्रकार से मैंने आपको संधि विच्छेद करना सिखाया कि कैसे अ और अ करके, इस तरीके से आप भी जो है संधि विच्छेद करेंगे अपनी जो है कॉपी में, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो चीज़ आप लोगों को नहीं आएगी जब हमारी जून क्लास होगी, तो आप लोग जरूर उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है,
और उसे जो है हम जूम क्लास में उसको ठीक है आपको बता देंगे। ठीक है बच्चे, तो अब ई वाले हम देख लेंगे कि ई वाले किस तरीके से हैं। ठीक है, जैसे कविंद्र, बिल्कुल वैसे ही होना है बेटा जैसे कि आ वाले हमने किए। कविंद्र, इसमें भी क्या होना है, कवि। धन इंद्र, ये इसका जो है हमने संधि विच्छेद किया, कविंद्र, कवि धन इंद्र, कवि छोटी ई और ये भी छोटी ई। अब बताओ क्या होगा, छोटी ई मिलके क्या होगा, गुड, बड़ी ई, शाबाश। तो क व, और व में बताओ किसकी मात्रा लगेगी, वेरी गुड, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, समझ गए, और बन गया कविंद्र। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखो बड़ी ई और बड़ी ई कैसे बनेगा। नदीश एक शब्द है, नदीश, ठीक है बच्चे, ये छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई। ठीक है, अब बड़ी ई मिलके कैसे बनेगी, नदी धन ईश, ये इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया बच्चों, नदी बड़ी ई धन बड़ी ई। अब बताइए क्या बनेगा, बड़ी ई, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसको, शब्द को हम जब लिखें न द, द में किसकी मात्रा लगनी है बच्चों, बड़ी ई की, वेरी गुड, बन गया नदीस। ठीक है, ये वाला नियम भी सिद्ध हो गया कि बड़ी ई मिलके बड़ी, छोटी ई मिलके बड़ी। अब छोटी ई बड़ी ई मिलके बताओ कैसे बनेगा, वेरी गुड, बड़ी ई मिलेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे हम, गिरीश, संधि विच्छेद करेंगे, गिरी धन ईस, वेरी गुड, गिरी छोटी ई और बड़ी ई, अब बन के बड़ी ई, गुड। अब र में किस चीज की मात्रा लगनी है यहां पे, इस र में बड़ी ई की, हो गया ग्रीस, गुड। अब ओ वाला देख लेंगे जरा, गुरु पदेश एक शब्द है मेरे पास, गुरु पदेश। अब इसका हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, गुरु धन उपदेश। ठीक है बच्चे, गुरु छोटा ओ और उपदेश में तो है ही बड़ा छोटा ओ, है ना, ये वाला ओ। अब दोनों छोटे ओ मिलके क्या बनना है बेटा, बड़ा ओ। तो ग र, र में किसकी मात्रा लगानी है, वेरी गुड, बड़े ओ की। और ये वाला ओ और इसके साथ वाला ओ मिलके ये बन चुके हैं, तो अब ये पदेश बचा हमारे पास। ठीक है, तो हो गया ग्रुप देश। ठीक, अब देखेंगे छोटा ओ और बड़ा ओ मिलके क्या बनेगा, जैसे लिखेंगे लघुर्मी, एक शब्द लिखेंगे हम लघुर्मी। ठीक है, लघु धन ऊर्मी। ठीक है, लघु छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, तो अब हो जाएगा ल घ, घ में किसकी मात्रा, इस बड़े ऊ की, हो गया लघुर्मी। तो आप समझ गए बच्चों, दीर्घ संधि आप सभी लोग समझ गए कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलके हमेशा दीर्घ स्वर बनेंगे। तो स्वर संधि का पहला पाठ क्या पढ़ा हमने, दीर्घ संधि। और आप लोग समझ गए हैं कि दीर्घ संधि इसको क्यों बोलते हैं, क्या इसके नियम हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट गुण संधि पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।